आज का ऐलान किया गया है कि जो सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला खिलाड़ी होगा उससे 15,000 का पारितोषिक दिया जाएगा। जो सबसे अच्छा बेस्ट खिलाड़ी होगा 15,000 का उसके परफॉर्मेंस को तो बिल्कुल बेस्ट प्लेयर आपका टूर्नामेंट का यहाँ पे भी ऐलान किया जाएगा। दर्शकों के बीच घमासान और रूपेश सिंह बहुत ही लाजवाब खिलाड़ी और अपनी कलाकारियों का प्रदर्शन। भाई आगे जो खड़े यहाँ बैठ जाए उत्सव आपके साथ जो होगा बैठा दीजिए। ये बड़े बड़े भारी भरकम है। दोनों तरफ से यहाँ पे आक्रमण देखा जा रहा है, कभी रूपेश कभी ऋषभ। दिल की धड़कन में थाम कर बैठे और फिर यहाँ पे समीर शाहरुख के लिए और इस तरह से शाहरुख ने जोरदार हिट लगाकर एक और पॉइंट अपने नाम कर लिया। 3-1 सर्विस कांति निवेशन फ्रॉम देहरादून सर्विसर रिक्की जंपिंग सर्विस दिव्यांशु विकास चौबे के लिए और फिर समीर ऋषभ आर्य रिक्की। लेकिन रिक्की ने इस मरतबा बहुत दूर ट्राई कर दिया। स्कोर बढ़ता हुआ 2-3 सर्विस पर विकास चौबे। विकास चौबे 2 सर्व बड़ी कातिलाना सर्विस, बड़ी जहरीली सर्विस विकास चौबे की कि लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं। और फिर उसके बाद 4 पे वाराणसी 3 पे देहरादून सर्विस अगी विकास चौबे की। बराबर बचा है 4 बराबर सर्विस पर रिक्की फ्रॉम देहरादून। निशाना साधा सर्विस कर दिया। ब्यूटीफुल ब्लॉक मिस्टर माज आजमी का यहाँ पे ब्लॉक देखा गया और इस ब्लॉक के जरिए एक और पॉइंट अपने नाम कर लिया माज ने कि मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। एक और पॉइंट, वाह रे रिक्की वाह, इनकी जादुई सर्विस आज जादू का काम कर रही है। 6-4-6 पे देहरादून रिक्की जंप के साथ बड़ी लाजवाब सर्विस और ये रूपेश फिर शाहरुख। लेकिन वहां पर ब्यूटीफुल अटैक हेयर बाय मिस्टर श्रेयांश, बहुत ही लाजवाब हमला श्रेयांश का। विकास चौबे 2 सर्व डिफेंडर बाई शाहरुख, खराब पास शाहरुख और इस मरतबा नेट को सलाम कर दिया, नेट में उलझा दिया है और उस उलझन के साथ 6 बराबर 6 बराबर का स्कोर। दर्शक एक बार जोरदार ताली उस मुकाबले को आगे बढ़ाए। 6 बराबर का स्कोर, कम से कम तालियां बजा दे ऐसा लगे कि मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। ये देखिए इस खिलाड़ी के क्या कहने, आजमगढ़ वॉलीबॉल का प्रिंस कहा जाता है। एक सूचना आ गई, खिलाड़ी जीवन से जो बेस्ट प्लेयर होगा इन दोनों टीमों में से उसे डॉक्टर कार्तिकेय और उनकी धर्मपत्नी द्वारा 15,000 का पारितोषिक
प्रदान किया जाएगा, लेकिन जो दूसरे दर्जे का खिलाड़ी होगा उन्हें दूसरा बढ़िया खिलाड़ी उसको 8,000 रुपए का पारिश्रमिक दिया जाएगा या 8,000 रुपए का पारितोषिक दिया जाएगा। जी जी बिल्कुल, यहाँ पर बड़े इनाम रखे गए हैं, लाश राज आउटस्टैंडिंग सर्विस का नमूना पेश कर रहा है विक्की फ्रॉम देहरादून। आईने को हैरत में डाल दे रहा है ये खिलाड़ी, और इस मरतबा विकास चौबे, एक ने चार्ज किया, एक ने जंप किया, दूसरे ने काम कर दिया, लेकिन लेट चार्ज करते पकड़े गए खिलाड़ी देहरादून के। सर्विस पर विकास और सर्विस के जरिए एक और पॉइंट विकास चौबे, 8-9। मजा आ रहा है दोस्त, क्योंकि दोनों टीमें एक दूसरे से कम नहीं, कि हम किसी से कम नहीं, इसी बात का यहां से वो किया जा रहा है। विकास चौबे डिफेंडेड बाई शाहरुख और सौरभ ठाकुर, और यहां पर इनाम भी धीरे धीरे आ रहे हैं। 10-8 सर्विस पर रिक्की, जबरदस्त ब्लॉक, वाह रे ऋषभ वाह, आज अपने ब्लॉक के जरिए आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा ये खिलाड़ी कि मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा। शुक्रिया चाचा, और इस तरह से फिर मेडल स्पाइकर आए, सेंटर से ही अटैक कर दिया, 9-11, 9-11। और दर्शक मैं देख रहा हूं कि वहां से त्रिपुर जोर आवाजें अब आ रही है कि रात जैसे जैसे अपनी चरम सीमा पर जा रही है वैसे वैसे दर्शकों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। विकास चौबे लेकिन रोका गया, इस मरतबा इनके रास्ते को रोका गया कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। आखिर जंपिंग सर्विस, सौरभ ठाकुर का वहां पे कलाइयों का इस्तेमाल, ऐसा लग रहा है कि परवरदिगार ने इनके हाथ में बैरिंग फिट कर दिया है कि जिधर चाहा उधर घुमा दिया। 13-9, 4 पॉइंट का डिफरेंस, और इस मरतबा इनकी सर्विस को किसी की नजर लग गई। 10-13 विकास चौबे, सरेआंश, लेकिन बाल सबली रिक्की के लिए, यहां भी बाल सबली सरेआंश, एक मरतबा को बुलाकर थे वहां पर, लेकिन फिर भी कामयाब रहे सरेआंश। यहाँ पे जरा सा चचा जरा बैठ जाए, चचा जरा बैठ जाए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। यहाँ पे मार, और उस तरह से लंबा क्रॉस, निगाहें भी मिलती है, दिल से दिल भी मिलता है, मगर कोई चाहने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है, और इसी बीच अवे सर्विस आउट कर दिया सर्विस के जरिए, और उस तरह से अब सर्विस का मौका है यहां पर विकास चौबे के पास अपनी खोई हुई
जो चीज है उसको वापस लेने का, खोई हुई हुकूमत को वापस लेने का ऐलान कर दिया। जितनी भी तारीफ करें इस खिलाड़ी की कम है। पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, इस खिलाड़ी ने कहा। और इस मरतबा इनकी सर्विस जरा सा नाकाम नजर आई, 13-15। फिर से 13-15 पर विकास चौबे। थर्ड लाइन पर क्या जबरदस्त अटैक किया कि निगाहें कहीं और, निशाना कहीं और, जाम से जाम छलका के मारा है विकास चौबे ने। बहुत ही लाजवाब यहां पे फिर है, लेकिन बाल सकली बहुत ही लाजवाब डिफेंस। और सर्विस पर रिक्की फराम देहरादून, अच्छी सर्विस रुपेश सिंह। बड़ी देर के बाद शतरंज के इस मोहरे को आजमाया गया। आप बिल्कुल सुखी भैया हमेशा कहा करते हैं कि शतरा ये सेंटर ब्लॉकर जो हुआ करता है वो शतरंज का मोहरा हुआ करता है वालीबॉल के ग्राउंड पर। और इस मरतबा रुपेश को आजमाया, जरा सी चेंजिंग लाई। 15-16-14 ऑन द सर्विस डिफेंडेड बाय शाहरुख खान। यहां से भी सेंटर ब्लॉकर का तूफान और यहां से भी सेंटर ब्लॉकर का तूफान आया। कि तूफानों से आंख मिलाया, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। एक मतलब फिर से अपनी सर्विस के जरिए रिक्की ने एक और काम अंजाम दिया और डॉक्टर सविता मेमोरियल राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का यह मुकाबला अपनी मंजिल पर चलता पड़ता नजर आ रहा है। और वहां पे दिव्यांशु बहुत दूर तक गए लेकिन इनकी पहुंच से काफी दूर ना, टाइम आउट। चलिए सभी लोग रेडी हो जाएं। सर्विस पर रिक्की, बड़ी अच्छी सर्विस। चौथे जी के हाथों को चूमती हुई चली गई टाइलाइन के काफी दूर। और एक मरतबा फिर से 20-15। ये देखिए ये हमला है सौरभ ठाकुर का। सर्विस पर रिक्की जंप के साथ अच्छी सर्विस, रेयांश ने संभाला, रुपेश है प्रहार किया, समीर ने संभाला, ऋषभ, शाहरुख खान। और शाहरुख खान का बड़ा उबेला अंदाज। 22-15 का स्कोर। जरा सी मेहनत करना होगा वाराणसी टीम को अपना खोया हुआ स्थान प्राप्त करने के लिए। फिर यहां पे ज्वाइन ब्लॉक के दो प्लाकरों ने कर दिया है श्रेयांश का ऑपरेशन। 23-15। फिर यहां पर ऑपरेशन किया गया लेकिन अभी ऑपरेशन सफल हो चुका है। अब यहां पे दिस पॉइंट इज द सेट पॉइंट, नाउ कैप्टन रेडी टीम ऑफ वाराणसी। अब तैयार हो जाए वाराणसी, ये सेट पॉइंट हो सकता है। रिक्की हल्की सर्विस, आ है यहां पे समीर, फिर आए रिक्की, दिव्यांशु नहीं बल्कि उनके साथी
और इस तरह से अंतिम चरण पर कि बड़ी देर कर दी। डॉक्टर कार्तिकेय जी कह रहे हैं कि बड़ी देर कर दी मेहरपा आते आते, ये काम पहले किया होता तो मुकाबले का मंजर कुछ और होता, मुकाबले का दृश्य कुछ और होता। वाह रे विकास चौबे, आहा अब इस छोर पर गलतियां करती नजर आ रही है देहरादून की टीम कि अभी भी समय है। डॉक्टर तेजपाली साहब वाराणसी टीम के लिए कह रहे हैं कि पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अभी जलता शहर बचाया जा सकता है, अभी टाइम है, लेकिन ये मास्क के तूफान को कौन लेगा। और इस तरह से पहला सेट बड़ी आसानी के साथ अपने नाम कर लिया है देहरादून टीम ने।